अगर आपके घर में बार बार मृत्यु हो रही है, जैसे साल में 2 महीने में होगी, 3 महीने में होगी, आपको बे है कि आगे ऐसा ना कुछ हो, पहले तो आप अपना घर चेक कराइए। किससे कराना है वो हम आपको बताते हैं। और पहले ये बात सुनो कि अगर आपने अपने घर की कोई सेटिंग तो नहीं चेंज की, या अपना घर आगे या पीछे तो नहीं बढ़ाया, या किसी दीवार को मतलब तोड़ फोड़ की हो, या आपके घर में कोई टोया हो आपने पूरा ना हो, ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह चेक करो। या आपने अपने घर की सेटिंग नहीं की तो नहीं की, आपने मंदिर को या रसोई घर को या बाथरूम को या अपने बेडरूम को या घर की दीवारों को, छत की दीवारों को, अपने टावर की दीवार को कुछ छेड़खानी तो नहीं की, या आपके अगल बगल क्या रहता है आपसे गलती से उसके ऊपर तो आपके घर की कोई ईंट तो नहीं गिर गई, या कोई ऐसी वस्तु गिर गई जैसे आपको पता ना लगा हो, जैसे आपने उठाई नहीं, या लेडीज़ की कोई ऐसी चीज़ गिर गई आपके आले दुआले, कोई ऐसा स्थान है या कोई ऐसी चीज़ है या किसी ने सिद्ध की हुई है, या कोई भूत प्रेत बताल या कोई भी नेगेटिविटी चीज़ है वहाँ, तो आप कि कोई चीज़ वहाँ गिर गई है आपके परिवार की, खास लेडीज़ की, तो ऐसा देख लो कोई मंजर तो नहीं है आपके घर के आले दीवाले, मतलब आसपास कोई वीरान जगह तो नहीं है, या आपके दीवार घर के पास ही या उसके पास ही कोई खंडर जैसा मकान तो नहीं है, ऐसे पहले चेक कीजिए। तो ये है तो वो मकान किसी ने ख़रीदा बनाया, उसके बाद ही आपके घर की जो दिशा है ऐसे होनी शुरू होगी है, आपके घर में जो टोए हैं उसके बाद ही आपकी घर की दिशा ऐसे होना शुरू हो गया, आपके घर के जी ऐसे जा रहे हैं। आप पहले चेक कीजिए, जब आपने कोई ऐसा दरवाज़ा बंद कर लिया है, जैसे जिस दरवाजे से आपके घर में सुख आता हो वो आपने स्टॉप कर लिया, बंद कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति तो नहीं आपने अपने घर में मेन सेंटर में, मतलब मेन सेंटर में घर की नाभि के अंदर कोई जैसे होदी होती है जल रखने के लिए तो नहीं बनाई, जब पानी बाहर निकालने के लिए गटर वगैरह तो नहीं बना लिया, वो अगर है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आएगी, ऐसे घर हमेशा ही खाली हो जाते हैं अगर आपने ऐसा किया हो। तो आपने अपने घर को अगर ऐसी दिशा है तो आप इसे ठीक कीजिए, या किसी से अपना घर सिद्ध करवाइए, और सिद्ध किससे करवाना है ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने किससे सिद्ध कराना है, आपने किसी सिद्ध नाथों से ही जाकर सिद्ध कराना है, सिद्ध नाथों से जाकर, नाथों पर जाओ, वहाँ से सिद्ध नाथ जो जो कहेंगे वो कीजिए, उनके हाथ में ही है सबकी पावर, वो सिद्ध कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, आप सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देव को मानना छोड़ तो नहीं गए, आप अपनी सुरक्षा, जैसे तलवार हाथ में होती है ना रक्षा के लिए, वैसे ही हमारे कुल देवते हर दम हमारी सुरक्षा रक्षा करते रहते हैं। अगर आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनको पीछे कर दिया है, तो आप किस मतलब अपनी मर्जी से कहीं और ही चले गए हो, तो ये भी इफेक्ट आपके शरीर पर आपके घर पर नेगेटिविटी पड़ता है। तो इसके सुधार के लिए, अपने घर के सुधार के लिए जो सिद्धनाथों महापुरुषों ने बताया वो क्या बताया, आपने क्या करना है अपने घर में सबसे पहले अपने महापुरुषों का फेरा पोवा, या अपने घर के कुल के किसी देव को, कुल के देव को, जो आपके कुल के देव जिसे जठेरे बोलते हैं, वो आपके कुल के देव की गद्दी पर जो बैठते हैं वो होते हैं, उनको अपने घर में फेरा पुआ, उनसे अपना घर चेक करवाओ अच्छी तरह दिलो, तो वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ गलत होगी है, कौन सी चीज़ ठीक है, जो गलत होगी वही ठीक कर सकते हैं। अगर आप बाहर से कोई तांत्रिक या कोई भी कोई मुसलमानी या कोई भी चीज़ अपने घर में चेक कराओगे, वो कुछ दिन ही असर करेंगे, असली असर वो होता है जो अपने घर की पूजा का आप जो देव लेकर आएंगे वो चेक करेगा, आपका घर अच्छी तरह चेक करेगा, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ छुप गई है, या आपको कोई गलत चीज़ तो नहीं घर में प्रवेश करवा ली, जहाँ चीज़ गलत है जो वो कह रहा है वो मानो,
तो फिर आने वाली जरी स्थिति ही आपकी ठीक रहेगी। ऐसा हमें सिद्धनाथों ने बताया। फिर हमें उन्होंने और बताया कि अगर आपके घर की जो पानी का बहाव है दक्षिण दिशा की ओर है, ऐसे तब भी होता है, तो वो चेंज कर लो, वो तो सिंपल उपाय है। पर ज़्यादा खतरनाक ये है, अगर आपने दीवार का टू अपनी दीवारें हैं टूट फूट की है, तो वो भी घर में फट पाटती है। अगर आपके घर की नाभि मतलब सेंटर में आपने होल किया हुआ है, उस वो नाभिकरण को भी आप ठीक करा दीजिए। सिर्फ अपने जो आपके सिद्ध जो आपके कुल के देव है, कुल की देवी है, वहाँ गद्दी पर विराजमान है, उनको अपने घर की बताओ, वो आपके घर का सिद्ध करेंगे आपका घर, और कोई नहीं कर सकता। आप चाहे जहाँ चाहो हो आओ, जिसके मर्जी दरवाजे में माथा टेक आओ, घर आपको सिर्फ वहाँ से ही सिद्ध होगा जो आपके कुलदेव है, कुल देवी है, कुल देव है, वहाँ के जो महंत सिद्ध कर सकते हैं या सिद्धनाथ कर सकते हैं। दूसरी पावर सिद्धनाथों को ही है कि जो नाथ पंथ में जोगी है, नाथ है, अगर उनसे घर सिद्ध करा लोगे, वो भी एक समान, क्योंकि कुल से ही आया होता है, क्योंकि जोगी सब कुले जोगी की ही है। ऐसे हमें सिद्धनाथों ने बताया, हमारा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने ज़मीन घर ले लिया, उस घर में आप जहाँ पर रहते हो पहले किसी और का वास था, उससे पहले किसी और का, वो वहाँ पर कई लोगों ने कुछ चीज़ें सिद्ध की होती है, जैसे कोई चीज़ें दबा दी गई होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को जानती है जो वहाँ जहाँ रहते हैं। आप तो नए प्रवेश कर रहे हो, नए लोग हैं, आप पर वो चीज़ें